नमस्कार, मैं हूं देवाशीष उपाध्याय और प्रेस्टीज मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री प्रभात झा साहब। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और पहला प्रश्न, विशेषकर जो CAB काफ़ी चर्चित है, काफ़ी विवादों में रहा, काफ़ी उत्कृष्ट संस्थानों ने इसका विरोध करा, तो आपके हिसाब से इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत के किसी भी उत्कृष्ट संस्थानों ने इस तरह का निकृष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। उत्कृष्ट संस्थानों को निकृष्ट कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता। ये जो CAB है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है, नागरिकता संशोधन कानून, ये 1955 का है। लियाकत पैक्ट हुआ था उस समय। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा हम करेंगे, और अन्य जब पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उसकी रक्षा वहां के लोग करेंगे। लियाकत पैक्ट कहलाया था, नेहरू जी के साथ हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 करोड़ मुस्लिम थे भारत में, आज 20 करोड़ हैं। हमने इतनी रक्षा की है माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की। 3 करोड़ हिंदू थे पाकिस्तान में, अब वो 3% रह गए। कितने लोग क्या बना दिए गए, कहां मार के भगा दिए गए, कोई जानकारी नहीं। बावजूद इसके इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आए हैं उन सबको नागरिकता प्रदान की जाए, और जो एक समय सीमा थी 10+1, 10 साल और 1 साल और 11, उसको 5+1 किया गया है। और इसमें किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये नागरिकता देने वाला कानून है, दुर्भाग्य से इसको गुमराह किया जा रहा है कि नागरिकता छीनने वाला कानून। इसमें कहीं पर भी कोई धारा ऐसी है ही नहीं जिसमें नागरिकता ली जाए। अब जो लोग, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां पर अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम छोड़ के सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक कौन हुए? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। अब इनको भारत में नागरिकता देने की बात आ रही है। अगर वो प्रताड़ित होते हैं, महिलाओं की छाती काटी जाती है, वहां बच्चों के साथ धर्मांतरण होता है, वहां पर जबरदस्ती शादियां हो रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रताड़ित होकर भारत आए हैं उनको यहाँ कहीं नागरिकता दी जाए, यह अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें क्या बदनाम कर रहे हैं कि मुस्लिम कहां है, मुस्लिम के खिलाफ? एक, यह बिल और NRC वो दोनों ही अलग अलग चीज है। एक है रिफ्यूजी के लिए, एक है घुसपैठिए के लिए, एक शरणार्थी के लिए, एक घुसपैठिए के लिए। जो भारत में इल्लीगल आए हैं, जिनको भारत में नागरिकता नहीं है और घुसपैठ करके आए हैं, उनको भारत ने कहा है कि हम इसके लिए NRC बिल लाएंगे और हम रजिस्टर्ड करेंगे, उस समय हम साक्ष्य मांगेंगे। क्या गलत है? हालांकि अभी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, कोई विधि सम्मत कानून नहीं बना है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं और उसको जोड़कर देखना यह गलत हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देश के नागरिकों से अपील करूंगा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पहले समझो, जानो, बूझो, उसके बाद विरोध करो। आइए, विशेषकर इस बिल को हमको समझाइश देने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। दूसरा प्रश्न यह है कि जो कमलनाथ सरकार है उसे 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तो क्या आप उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे? ना हम शुभकामना देंगे ना हम सलाह देंगे, हम इतना ही कहेंगे, वर्ष तो बहुत लोग काट लेते हैं। राबड़ी जी चौके से मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने भी 5 वर्ष काटे। दिन काटना और आपने एक दिन में क्या किया, आपने काम क्या किया, ये महत्वपूर्ण है दिन काटने से। कमलनाथ जी भी दिन काट रहे हैं, तो इसलिए दिन काटने वालों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं। और जो युवा लोग हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश जहाँ से आपका विशेष लगाव भी है, वहाँ के युवाओं के लिए, साथ ही साथ जो देश के युवा हैं उनके लिए, आपके खास तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है, सोशल मीडिया से बचें, जीवंत संपर्क रखें, लोगों से मिलें। 5 लाख फॉलोवर हैं आपके और घर में भाई से पटता नहीं है, तो ऐसे फॉलोवर बनाकर आप क्या करोगे? सोशल मीडिया का सामाजिक सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। एक, दूसरा, तथ्य को समझें
पहले अध्ययन करें, राष्ट्र के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, और ये सोचें कि भारत के हम भारतीय हैं, और भारतीय होने का जो कर्तव्य है अधिकार के साथ कर्तव्य का संतुलन होना चाहिए। ड्यूटीज तो आप करते नहीं हैं, लेकिन डिमांड्स आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ड्यूटी और डिमांड्स, अधिकार और कर्तव्य में दूरी नहीं होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आज के युवाओं को ये सबसे बड़ा, ये मेरा भारत है, ये भाव यदि जागृत होता है तो उन्हें भारतीय होने का गर्व होगा। लोग आत्म शांति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भारत आते हैं, और हम अगर इन सब चीज़ों से दूर होंगे, भारत आध्यात्मिक रूप से सबसे मजबूत राष्ट्र है विश्व का। इसलिए युवाओं को आध्यात्म युक्त वातावरण में सामाजिक, राष्ट्रीय, अपने जीवन का सारा कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है इससे अधिक मैं अपेक्षा भी नहीं करता, और बहुत ज्यादा मैं सलाह भी नहीं देता। हमारे साथ सम्मानीय प्रभात झा साहब, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।